तो फ्रेंड इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोफा सेट किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे कि दोस्तों पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के डाल रखा है जिसमें मैंने 5 सीट का एल टाइप सोफा होता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, तो उस वीडियो पर आपका बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट मिला, वो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में हम आपको दो सीट का सिंपल सोफा किस प्रकार से बनाया जाता है उसका पूरा मेकिंग प्रोसेस बताएंगे। आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पूरा डिटेल के साथ हमने जो पूरी जानकारी बताई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारी न्यू वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए सोफा सेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जिस जगह पे हम सोफा बनाते हैं उसका मेजरमेंट कर लेना हमें। तो जैसे कि हम यहाँ पे सोफा बनाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो ये आ रहा है 54.5 इंच आ रहा है हमारा ऐसे में, तो ऐसे में हमारा आ रहा है 54.5 इंच। तो हमें ऐसे में कितना सोफा बनाना चाहिए, सबसे पहले देखिए 3 इंच का हैंडल हमारा इधर बनेगा, 3 इंच का हैंडल उधर बनेगा, तो सबसे पहले हम 6 इंच उसको कम कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा 6 इंच कम हो गया। और उसके बाद 1 इंच का फॉर्म हैंडल के इस साइड लगेगा अंदर की साइड में, और 1 इंच का फॉर्म उधर जो हमारा हैंडल है उसके अंदर की साइड में लगेगा, तो 2 इंच हम वो और कम कर लेते हैं इसमें से, ये 2 इंच हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कितना बचता है हमारा। तो फ्रेंड ये हमारा बचता है 47 इंच, तो 47 इंच का हमारा ये सोफा बनेगा। हम 1 इंच और कम बनाएंगे तो हम ये सोफा बनाएंगे 46 इंच का, 46 इंच ऐसा बनाएंगे, और ऐसा डेप्थ में हम बनाएंगे 28 इंच का। वैसे हमारे पास यहाँ पे 30 इंच की जगह है लेकिन थोड़ा हम छोटा रखेंगे इसको, सीटिंग के लिए रखेंगे, तो हम इसको बनाएंगे 30 इंच का। तो कुल मिला के हमारा जो सोफा बनेगा वो 46 इंच लंबाई और 28 इंच चौड़ाई में बनेगा। तो चलिए हम उसको बना लेते हैं। और अगर हाइट की बात करें तो हाइट में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो 11 इंच का हम रखेंगे, और टोटल जो फॉर्म वगैरह लग जाएगा उसका, तो उसके बाद उसकी जो सीटिंग रहेगा वो 16 इंच की हाइट पर रहेगा। तो उसका हमें जो नीचे का फ्रेमिंग बनाना होता है वो हम साइज़ किस प्रकार से निकालेंगे वो बताता हूँ। तो देखिए ये जो हमारा सोफा यहाँ बनेगा इसके लिए हम जो सोफा लेग यूज़ कर रहे हैं वो 6 इंच का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे रेगुलर हम लोग 3 इंच का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हमें यहाँ पे 6 इंच का सोफा लेग काम में लेना है, तो हम 6 इंच के हिसाब से बनाएंगे। तो ये हमारा टोटल जो हमारा साइज़ रहेगा हाइट वो 11 इंच रहेगा, ऐसा 11 इंच में से हम 6 इंच कम कर लेते हैं, पीछे हमारा 5 इंच बचेगा। तो 5 इंच का जो हमारा वो सोफा का ढांचा बनेगा, और 5 इंच में से भी हमारा जो फ्रेमिंग है वो और कम बनेगी, जैसा पीछे में हमारा 0.5 इंच का ऊपर टॉप रहेगा, 0.5 इंच का नीचे पट्टी रहेगा, तो वो और कम कर लेते हैं। तो करीबन करीबन 5 में से हम 1.5 इंच का 3.5 4 का हमारा फ्रेमिंग बनेगा। तो फ्रेंड चलिए अब हम आपको मेकिंग प्रोसेस पूरा बताते हैं कि किस प्रकार से बनाया जाता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप ये सोफा का फ्रेमिंग हमने ऑलरेडी बना के रखा है, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार हम, ये हमारा 28 इंच है, और ऐसे में आपका हमारा जो है 46 इंच है, और हाइट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये हमारा 0.4 इंच है। तो अब चलिए हम इसके ऊपर सबसे पहले उसका टॉप लगा लेते हैं। टॉप हमने ऑलरेडी मेटेरियल हमने पूरा ऑलरेडी कट करके रखा है पूरा पहले से ही, ताकि आपका टाइम बचा रहे, आपको समझने में ईजी रहे। तो चलिए हम फटाफट से इसका जो टॉप है वो लगा लेते हैं। अब तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा टॉप लगकर तैयार है, और अब हम नीचे की साइड में यहाँ पे 5 इंच का 2 पट्टा लगाएंगे आगे और पीछे, जिस पर जो हमारा सोफा लेग है वो हम उस पर लगाएंगे, तो वो भी हम चलिए फटाफट से लगा लेते हैं अभी।
तो फ्रेंड देखिए नीचे का प्लाईवुड हमने लगा लिया है और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए निशान करेंगे 3x3 का इस प्रकार से। और यहाँ पर हम जो हमारा सेंटर आता है यहाँ पर हम होल निकालेंगे 12 mm का, आप 10 mm का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 10 mm का, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सोफा लेग आने वाला है तो यहाँ पर हम सोफा लेग लगा लेते हैं इस प्रकार से। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमें इस प्रकार से होल निकाल लेना है, और होल क्यों निकालना देखिए ये जो सोफा जो हमारा सोफा लेगा इसका जो स्क्रू बाहर रहता है ये स्क्रू आप इस प्रकार से इसके अंदर फिटिंग हो सकता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे होल निकाल लेना है। तो फ्रेंड अब हम लगा लेते हैं सोफा लेग ये इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पे हम रख देते हैं इसको और इसकी स्क्रू टाइट कर देते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सोफा लेग लगकर हमारा तैयार है। अब हम इसको क्या करते हैं जो ढांचा है उसको हम एकदम सही तरीके से रख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो फ्रेंड ये देखिए इस प्रकार से ये दिखेगा। और अगर हम इसके टोटल हाइट की बात करें तो देख लीजिए आप इसकी टोटल हाइट 11 इंच हो गई है और 5 इंच का इसके ऊपर फॉर्म आ जाएगा। तो 5 इंच का फॉर्म आकर ये पूरा टोटल हमारा 16 इंच इसकी टोटल हाइट हो जाएगी। तो आपको कभी भी सोफा बनाना तो आपको मतलब जो ये ढांचा है इससे मतलब नहीं रखना, आपको जो ये हाइट है ये आपको 11 इंच रखना है। रेगुलर जो हम ये यूज़ करते हैं सोफा लेग 3 इंच की यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर 6 इंच की यूज़ की है। तो ये हमारा सोफा रेडी हो गया है यहाँ का स्ट्रक्चर। अब हम क्या करते हैं पीछे का बैक साइड लगा लेते हैं। तो चलिए वो मैं बताता हूँ किस प्रकार से लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो सोफा के बैक साइड में जो हमारा ये फ्रेमिंग लगेगा ये इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये सोफा की जो हमारी लंबाई है 46 इंच, तो ये 46 इंच में। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो ये हाइट हमारा जो यहाँ से 20 इंच है, जो हमारा टॉप है टॉप से इसकी हमारी जो हाइट रहती है वो 20 इंच रहती है। और ऐसे में ये देखिए यहाँ से ये 5 इंच का है, तो जैसे अब हम यहाँ से 5 इंच इस प्रकार से लगा देंगे इसको तो यहाँ पे जो हमारी जगह बचेगी वो 23 इंच जगह बचेगी, ऑलमोस्ट 23 1 इंच का सामने से फॉर्म आ जाएगा। तो ये 2 फिट की हमें सेटिंग मिलेगी। तो ये हमारा 5 इंच हो गया हाइट की बता दिया 20 इंच। और ये देखिए यहाँ से हमने 5 इंच ये हमारा जैसे 5 इंच है और यहाँ से हमने 5 इंच छोड़ के इसको इस प्रकार से टेपर कट किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं भाग ये हमारा 1.5 इंच है और यहाँ से ये 5 इंच है। इस प्रकार से हमने क्रॉस कटिंग करना है और ये फ्रेमिंग बनाने के बाद हम इसको फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने किल्ला और स्क्रू दोनों मार दिए, अभी देखिए एकदम ये परफेक्ट फिक्स हो चुका है, कहीं से भी ये हिल नहीं रहा है। तो ये हो गया अभी। और अब अगर इस टोटल हाइट की बात करें तो ये देखिए इसकी टोटल हाइट हो गई 31 इंच, 31 इंच इसकी टोटल हाइट होगी। तो ये हो गया हमारा। अभी हम क्या करेंगे यहाँ से 5 इंच छोड़ के देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से 5 इंच छोड़ के हम यहाँ पर टुकड़ा फिक्स करेंगे एक प्लाईवुड ऐसा जिसके ऊपर जो हमारा 12 mm का बैक शीट लगेगा, तो वो हम फिक्स कर लेते हैं अभी। तो फ्रेंड देखिए ये जो ऐसा हमारा ऐसे में 5 इंच है, ऐसे में 4.25 इंच है, तो ये हमारा 4.25 हो गया और पौना नीचे का मिला के ये 5 इंच हो गया। अब 5 इंच के ऊपर जो हमारा ये यहाँ पे देखिए तो इस प्रकार से प्लाईवुड लगेगा ये। तो फ्रेंड ये देखिए इस प्रकार से लगेगा
यहाँ पे हमारा 5 इंच का फॉर्म आ जाएगा और यहाँ से हमारी बैक शील्ड स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम इसको फटाफट से मार लेते हैं अभी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये प्लाईवुड हमने लगा लिया और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ये स्पेस है, ये 5 इंच का है, यहाँ से ये 5 इंच का है। तो ये यहाँ पे क्या हमारा 4+1 का फॉर्म आएगा और उसका कपड़ा यहाँ से नीचे से पीछे से यहाँ से खींच सकते हैं, इसलिए हमें ये स्पेस रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ तक हमारा स्टे कम्प्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का 12 mm का जो बैक शीट है वो लगाएंगे। तो उसका मेजरमेंट कर लेते हैं हम। जैसे कि यह देखिए हमारा आ रहा है ये 15 इंच 1 सूत भाई 46 इंच का आ रहा है। तो ये हम कटिंग कर लेते हैं और ये अब लगा लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए सोफा का बैक सीट हमारे लगा दिया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा सोफा। और अब हम इसमें लगाएंगे दोनों साइड के हैंडल। तो सबसे पहले इसको थोड़ा फिनिशिंग कर लेते हैं ग्राइंडर की सहायता से। तो फ्रेंड देखिए ये बैक सीट हमारा लगने के बाद अगर आप यहाँ से बात करें तो ये हमारा करीबन हो गया 1.25 इंच का यहाँ से हो गया और यहाँ से हो गया ये हमारा करीबन 5.25 इंच का। तो अब यहाँ पे हमारा 2 इंच का फॉर्म आ जाएगा। महसूस होता है अगर 2 इंच का फॉर्म लगा दे तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा ये बैठने के लिए। चलिए एक बार हम बैठ कर चेक कर लेते हैं किस प्रकार से है। देखिए तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है सीटिंग के लिए। तो चलिए अब हम लगाते हैं इसका हैंडल, वो किस प्रकार से लगाते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं अभी। तो फ्रेंड देखिए अगर हैंडल हमें बनाना है तो ऐसे में आप जो मोटाई होती है हैंडल की वो आपके जगह के अकॉर्डिंग बननी चाहिए। जैसे कि आपके पास जगह है तो 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच तक आप हैंडल बना सकते हैं। लेकिन अगर हाइट की बात करें तो जो ये हमारा सेटिंग का जो प्लाईवुड है यहाँ से इसकी जो टोटल हैंडल की हाइट वो 13 इंच होनी चाहिए। जैसे कि 5 इंच का तो हमारा ये फॉर्म आ जाएगा और 8 इंच फॉर्म आने के बाद हैंडल हमेशा ऊपर रहना चाहिए। तो ये हम यहाँ से 13 इंच रखेंगे और टोटल जो हमारा यहाँ से रहेगा यहाँ तक नीचे जो भी आपकी रहती है उसे के अकॉर्डिंग आपका जो होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये हमारा यहाँ से टोटल 18.5 इंच आ रहा है यहाँ पे, तो वो हमने हैंडल बना लिए। देख मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए अब हम आपको बता देंगे इसका जो हैंडल है वो किस प्रकार से लगा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 इंच का हमारा जो ये हैंडल है, अभी ये 2.5 इंच है और ये 12 mm बाद में लगाएंगे, फिक्स करेंगे इसको। तो इसको किस प्रकार से फिक्स करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये 12 mm एक बार हम रख देते हैं साइड में। तो फ्रेंड अब जो हमारा हैंडल है हमें क्या करना है, जो हमारा सोफा का जो ये नीचे का धार है इस यहाँ से लेवल पकड़ लेना है और सामने से लेवल रख लेना है इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से हम लेवल पकड़ लेंगे एक बार इसको। और एक बार के लिए हम 2 कील में इसको कच्चा फिक्स कर लेते हैं इस प्रकार। तो ब्रेंड अब हमें क्या करना, देखिए ये जो हमारा अंदर का भाग है यहाँ से इस प्रकार से निशान कर लेना है आपको, ये निशान कर लेना और ये वाला इस प्रकार से निशान कर लेना। ये हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने निशान कर लिया इस प्रकार से। और अब हम क्या करेंगे इसको निकाल लेते हैं और उस साइड हम जो क्या करेंगे 18 mm का प्लाईवुड लगाएंगे।
वो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर होल करेंगे। तो फ्रेंड जो सोफा का जो हैंडल है उसको हम 10 mm जो नट बोल्ट होता है हमारा उससे फिक्स करेंगे। तो हमें क्या करना है, 10 mm से इसका होल निकाल लेना पहले। तो हम इस प्रकार से देखिए होल निकाल लेते हैं। देखिए फाइनली जो हमने निशान किया था पेन से वहाँ पर हमने 18 mm का पट्टा लगा लिया इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये जो हमने 8 mm होल निकाल लिया था, अब हम क्या करेंगे, अब हमें जरूरत पड़ेगी ये देखिए 4 inch का नट बोल्ट जो होता है इसकी जरूरत पड़ेगी, 4 inch नट बोल्ट। और इसके साथ आपको डबल वाइसर और डबल जो इसका ये डेबरी होता है उसकी जरूरत पड़ेगी, डबल वाइसर और डबल डेबरी की। तो हमें क्या करना, देखिए इस प्रकार से अंदर से हम क्या करेंगे, ये वाइसर लगा के इस प्रकार से आपको इसके अंदर ये बोल्ट फंसा देना है। तो फिर ये इस प्रकार से हो गया और अब हमें क्या करना है, ये डेवरी इस प्रकार से इसके अंदर टाइट कर देनी है। और अब आपको क्या करना है, पकड़ या पाना के साथ ऐसे इसको अच्छे से टाइट कर देना है। तो फ्रेंड देखिए ये नट बोल्ट हमने टाइट कर दिया है और ये जो नट बोल्ट है ये परमानेंट रहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो हमने यहाँ पे 10 mm का होल किया था, यहाँ पर हमने क्या किया, 18 mm का जो हमारा थ्रेशोल्ड बिट था उससे हमने यहाँ पे कोटेशन डाल दिया ताकि जो ये आप बोल्ट है ये बोल्ट इसके अंदर घुस जाएंगे। क्या करेंगे इसको है ना, इस प्रकार से इसके अंदर फंसा देंगे। ये देखिए ये जो आपका है ये आपको कुछ इस प्रकार से फंसा देना है, ये इसके अंदर फंस गया। और अब हम क्या करना है, थोड़ा सा सोफा को ऊपर करके इस प्रकार से आपको ये एक वाइसर और एक डेबरी इस प्रकार से वाइसर लगा के आपको अंदर और इसको टाइट कर देना है। फ्रेंड देखिए इस साइड का हमने टाइट कर लिया और अब हम इसको इस प्रकार से नीचे रख देते हैं वापस। तो ये हमारा हो गया और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इस साइड की प्लाई है इसको हम फिक्स कर देते हैं इस प्रकार से। अब हम इसको फेविकोल लगा के किला मार देंगे। अब जब कभी भी इसको आपको इसको खोलना है तो आप ये जो हमारे इसके अंदर हमने जो ये नट बोल्ट किया ये परमानेंट फिक्स रहेंगे और आप जो अंदर से जो हमने हमने बोल्ट टाइट किए उससे हम इसको हैंडल को खोल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको फटाफट से फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा जो सोफा का हैंडल वो लग गया है। ये देखिए इसकी जो हाइट है वो 13 inch है, अपना जो ये टॉप है इस सोफे का ये टॉप से इसकी जो टोटल हाइट 13 inch। अब यहाँ से जो हमारा 5 inch का फॉर्म आ जाएगा तो पीछे 8 inch बचेगा। तो फॉर्म आने के बाद इसकी टोटल जो हाइट रहेगी वो 8 inch रहेगी। इस प्रकार से आप
इसका हैंडल बना सकते हैं, हैंडल में आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं इस प्रकार से, अगर तिरछा करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं 4x का, ये हमने इसलिए लगाया था ताकि जैसे अब जो यहाँ पे हमारा फॉर्म आएगा तो पूरा फॉर्म आएगा यहाँ तक ही आएगा, और यहाँ पे जो हमारा 1x का फॉर्म आ जाएगा तो उसमें क्या है वो उस प्रकार से अप डाउन नहीं दिखेगा, पूरा एक लेवल दिखेगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा फॉर्म तो इस प्रकार से पूरा एक लेवल दिखेगा। तो फ्रेम एक साइड का हो गया हमारा, अब दूसरी साइड भी हम सेम प्रोसेस में फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए फाइनली जो हमारा सोफा है वो बनकर तैयार हो चुका है, ये कुछ इस प्रकार से देखिएगा, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी सोफा बना सकते हैं।